वेलकम बैक नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न से ईद उल फितर के पहले दिन की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है और एक मरतबा फिर हमारे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, आप सबको आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न की इस नशरियात में वेलकम और हमारी जानिब से ईद मुबारक। नाज़रीन, मेहमानों की आवन का सिलसिला जारी है, पहले भी हम मेहमानों से गुफ्तगू कर रहे थे तो अभी कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवाते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं शौकत हयात साहब और आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं सर, आपको बहुत वेलकम करेंगे और इनके साथ मौजूद हैं फरजाना फराह साहबा जो कि शायरा भी हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने ईद के लम्हात में से हमें भी वक्त दिया। सर, अगर आपकी जानिब पहले आएँ तो खाने पीने के शौकीन तो सभी होते हैं और इस ईद में और प्रीवियस ईदों में थोड़ा सा फ़र्क है, मुझे बताएँ कि फरमाइशें फिर भी जा रही हैं घर में या कुछ हाथ जो थोड़ा हौला रखा हुआ है, खाना कम किया है उन्होंने? देखिए, ये थोड़ी सी डिफरेंट ईद है, मैं इसको कोविड ईद कर रहा हूँ और इसमें वो वाली बात नहीं है, हर लिहाज से इसमें थोड़ा डिफरेंस आया है जी, खाने पीने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, एक्टिविटीज़ के लिहाज से, हम खुद सोच रहे हैं कैसे मनाएंगे और कोई ख़ास इस दफ़ा, हालाँकि हम मैं खुद खाने का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी फैमिली जो कश्मीरी फैमिली है मिसेज़ मेरी, वो भी पकाने की भी शौकीन है और खाने की भी शौकीन है, इस दफ़ा कोई ख़ास ऐसी डिश या डिशेज़ का अहतमाम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चलेगा चलेगा। और मैम, अगर आपकी जानिब आऊँ तो ईद, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ख़वातीन और बच्चों की ईद होती है, तो आप मुझे बताएं शॉपिंग वगैरह ईद की महदूद की या फिर बिल्कुल ही जो है कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में जाना बंद कर दिया? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। असल में ईद का मतलब होता है अपनों के साथ रहना, अपनों की खुशियाँ, तो मैं समझती हूँ कि जिनके घर में खैर खैरियत है, जिनके घर में अल्लाह ताला ने इस वबा से उनको बचाया हुआ है, उनके लिए ईद ही ईद है जी। कपड़े जो हैं वो सानवी चीज़ है, असल चीज़ आपका आपस का प्यार है, अगर आपके बच्चे सलामत, आपके आपस के ताल्लुकात सलामत, वालदैन सलामत, तो यही ईद सलामत। और कपड़े जो है वो सानवी चीज़ है, मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में चूँकि सब अल्लाह की तरफ से खैर खैरियत है और सबके घरों में अल्लाह खैरियत रखे, तो कपड़ों में मेरे बच्चे भी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कपड़े लें, ज़रूरी ये है कि हम अपने घर को उसी तरह सजाएं। हम लोग कहते हैं ना कि हम कोरोना की वजह से घरों में कैद होकर रह गए, मैं आपके स्टेज के साथ से एक बात कहूँगी, मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त बात है कि आप अपने घरों में रहे, आप कहीं दूर नहीं गए, आप अपने घरों में आपस में एक दूसरे से मिले, और ये बड़ा खूबसूरत पीरियड था कि आपने एक दूसरे को, क्योंकि ये जो सोशल वार था जिसमें इंटरनेट दूसरी चीज़ें, इन्होंने एक दूसरे से हम सारों को दूर कर दिया था कि लोग घर के अंदर भी एक दूसरे से मिलने से रह गए थे, तो कोरोना का इस लिहाज से शुक्रिया कि उसने लोगों को मिलने का मौका दिया घर के अंदर। और करने को इतना कुछ है, अभी आप ईद के हवाले से ही देखें, कपड़ों से हट के भी आप अपने घर को सजाएं, जिन बच्चों को पेंटिंग आती है वो पेंटिंग करें, गमलों में फूलों को सजाएं, तो ईद का बड़ा खूबसूरत माहौल बनता है और मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है, मैं बाकियों के लिए भी दुआ करूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा सर, आपकी जानिब बढ़ूँ तो आपने खुद ही कह दिया था कि ये कोविड ईद है, अगर डॉक्टर हजरात की जानिब बढ़ते हैं तो चलें इस दफ़ा तो माना कोरोना वायरस है, लेकिन जब कोरोना वायरस नहीं होता, आम हालात होते हैं, डॉक्टर्स तो तब भी बेचारे मसरूफ़ होते हैं लोगों की खिदमत में, ईदें उनकी शायद हॉस्पिटल में ज़्यादा गुजरती हैं और घरों में कम गुजरती हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये भी चेंजिंग तो आई है ना लाइफ में? देखिए जी, बात यह है कि डॉक्टर की छुट्टियाँ या ईद नहीं होती, हम ईद के दौरान भी ऑन कॉल ड्यूटीज़ पर होते हैं, जो हम सीनियर हैं सर्जनों में, मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो तो उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होती है हॉस्पिटल में, मैं ऑन कॉल हूँगा, अगर मैं फ़र्ज़ किया कि मेरी सर्जरी आ गई या किसी की हड्डी टूट गई और मैंने ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो हो सकता है कि मेरी पूरा दिन जो है ना वो गुजरे हॉस्पिटल के अंदर ही। कई दफ़ा ऐसा हुआ जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान हमारी रातें पूरी गुजरती थी हॉस्पिटल के अंदर, थिएटर के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। सो डॉक्टर की लाइफ जो है ना अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा होती है, और ये हकीकत है, इसको समझने के लिए आपको डॉक्टर बनना ज़रूरी है, कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझने से कासर हैं कि अब मेरी मिसेज है फ़र्ज़ की, वो भी डॉक्टर है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो 10-11-12 बजे कॉल आती है और शी हैज़ टू कम टू द हॉस्पिटल टू सी द पेशेंट एंड देन गो बैक, और ये इसी रमज़ान में भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है, तो टाइमिंग हमारी कोई नहीं होती। अच्छा सर, जब बात करते हैं इंसानियत की और डॉक्टर की, तो
आई होप कि हर डॉक्टर आप जैसा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि हर अच्छा डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं होता, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नैला, जब फीमेल्स की बात हो रही हो तो मेरे ख्याल में बड़े सारे सवालात होंगे आपके जहन में मैडम के लिए। बिल्कुल ऐसे है, डॉक्टर साहब की बात हो रही तो इमरजेंसी सिचुएशन में इनको बहुत ज़्यादा जो है ना, देखिए आम हालत में भी इनको लोगों को सर्व करना पड़ता है, आज तो इमरजेंसी सिचुएशन है। कह रहे हैं कि मिसेज भी डॉक्टर हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा। डॉक्टर फरजाना फराब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शायरा भी हैं। ये बताएँ कि आपने कोई शायरी ईद के हवाले से या जो मौजूदा सिचुएशन है कोरोना की, इसके हवाले से कोई शायरी आपने अगर की है तो? असल में इस वक्त जो वबा की सूरत हाल है ना, ये तख्लीकारों के लिए एक बहुत बड़ा टाइम गुजरा है जी। जो कहते हैं ना कि जो सोच वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा आलमिया समझ लीजिए कि एक ऐसा दुश्मन आपकी फ़िज़ा में मौजूद है जिसे आपने देखा भी नहीं है, लेकिन वो मौजूद है, आपको खौफ भी मौजूद है। उस हवाले से मेरी एक नज़्म है, नाइटमेयर, नज़्म का माना नाइटमेयर। मैंने चारों तरफ कुछ सदाएं सुनी, मैंने चारों तरफ कुछ सदाएं सुनी, मैंने बाहर जो देखा तो चारों तरफ, मैंने चारों तरफ कुछ सदाएं सुनी, मैंने बाहर जो देखा तो चारों तरफ भूख आलम था, इंसान कोई ना था, खौफ चलता हुआ मेरी जाने बढ़ा। सही, मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है तो हमारे साथ एक गुलकार भी मौजूद हैं। हम ईद की खुशियों को मजीद जो है वो दुबाला करते हैं और इनसे एक प्यारा सा गाना सुनते हैं। सजाद कश्मीरी मेरे साथ मौजूद हैं। मारो जंदरे ते झुलो माड़े नालो मिकी बड़े सोने लगे ओ, अखां बिल्लियां ते लम्मे लम्मे वालो मिकी बड़े सोने लगे ओ। मारो जंदरे ते झुलो माड़े नालो मिकी बड़े सोने लगे ओ, अखां बिल्लियां ते लम्मे लम्मे वालो मिकी बड़े सोने लगे ओ। सोना सा दुखड़े कदे तुसा कोले टैम आवे, ओखरावे चढ़ोई जांदा, जदों दा मैं तेनू तकिया खबरे दिल नू की होई जांदा, जदों दा मैं तेनू तकिया खबरे दिल नू की होई जांदा। तुसा तो बगैर माड़ा दिल नहीं लगदा, वेखना जी हासा ना बड़ा माड़ी गल की ना देना तुसी टालो मिकी बड़े सोने लगे ओ। मारो जंदरे ते झुलो माड़े नालो मिकी बड़े सोने लगे ओ, बड़े सोने लगे ओ। कड़ लेंदे ओ जदों निम्मा निम्मा हसदे ओ,
जान कड़े लेंदे ओ जदो निम्मा निम्मा हसदे ओ इक परदेसी उते जाल सुट ले आए तुसने ते पाई सदा दिल लुट ले आए गोरा मुखड़ा ते मोरा जई चारो मिकी बड़े सोने लगे ओ मारो जंदर दे झुलो मड़े नालो मिकी बड़े सोने लगे ओ अखा बिल्लियां ते लम्मे लम्मे वालो मिकी बड़े सोने लगे ओ मुजफ्फराबाद दिया क्या बातां जदों कोई चंगा लग जाए दिल पुछदा नहीं जाता जदों कोई चंगा लग जाए दिल पुछदा नहीं जाता कश्मीर विच रहंदे आ तुसी सानू चंगे लगे हो असी दिलों ए कहंदे आ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਵੇ ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ ਲੱਕ ਪੱਤਲਾ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਜਈ ਚਾਲੋ ਮਿੱਕੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਰੋ ਜੰਦਰੇ ਤੇ ਜੁੱਲੋ ਮਾੜੇ ਨਾਲੋ ਮਿੱਕੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ सोने लगे ओ शबीर तेरे कम वे असूलां दे जींदा रहें तू वे शबीर तेरे कम वे असूलां दे ओ आसमान वे हिक तारा कसम चवा किन तू सानू लगदा है बहु प्यारा कसम चवा किन तू सानू लगदा है बहु प्यारा तुसा तो बगैर मड़ा दिल नहीं लगदा वेखना जी हासन बना देना जगदा माड़ी गल की ना देना तुसी तारो मिकी बड़े सोने लगे हो मारो जंदरे दे जुलो माड़े नालो मिकी बड़े सोने लगे हो जी नाज़रीन सजाद कश्मीरी की आवाज़ में बहुत ज़बरदस्त हमने गाना सुना और उम्मीद है कि हमने इंजॉय किया देखने वालों ने इंजॉय किया और साथ साथ हमारे गेस्ट ने भी इंजॉय किया होगा डॉक्टर साहब की तरफ अगर आएँ तो शौकत हयात साहब आप गाने के दौरान मैं देख रहा था कि बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं तो सिंगिंग से लगाव है आपको बहुत लगाव है जी मैं सर कुछ अगर सुनाना चाहें थोड़ा सा हमें अपनी आवाज़ में मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना बैठी रावा तेरे कोल रू रजदाना मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना बैठी रावा तेरे कोल रू रजदाना मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे तेरी याद सतावे 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 राती नींद ना आवे तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे कोई
सुने दीट माया, कोई सुने दीट माया, वे रब तेनू कलम दिती, एडे जुल्म ना लिख माया, एडे जुल्म ना लिख माया, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, बैठी रावा तेरे कोल रू रज दाना, मैनू तेरे जया, मैनू तेरे जया, ओ मैनू तेरे जया, मैनू तेरे जया सोना होर लबदाना। जबरदस्त सर, मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा आवाज़ बड़ी अच्छी है, सुर बड़े मुश्किल होते हैं, इतना मुश्किल गाना उसमें ऐसे सुर लगाना, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर डॉक्टर ना होते तो क्या सिंगिंग की तरफ अप्रोच ज़रूर करते? देखिए जी, मेरे बहुत सारे शौक़ हैं, मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, क्रिकेट भी खेला, बहुत अच्छा खेला, क्लब खेला, डिपार्टमेंट खेला, सिंगिंग से बहुत शौक़ था, और सिंगिंग मेरी आवाज़ जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो बहुत अच्छी थी, वहाँ गाता था, और मैंने वहाँ पे पीटीवी कोयटा से भी काम किया, मैंने ड्रामे भी किए हुए हैं, तो मतलब मेरा शौक ये था, अगर डॉक्टर ना होता तो मेरा ख्याल है मैं सिंगर ही होता। अच्छा सर, किसको ज़्यादा, कौन से सिंगर को ज़्यादा लाइक करते हैं? क्लासिकल सिंगिंग में जो है ना, मैंने गुलाम अली को बहुत गाया हुआ है, उसकी गज़लों को, और नईरा नूर को गाया हुआ है, और इसी तरह से ये असद अमानत अली और इनकी ज़्यादा गाए हुए हैं गाने, गज़लें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक चीज़, जब आप डॉक्टर बन गए, माशाल्लाह से आपका नाम है अपनी फील्ड में भी, तो बहुत सारे लोग जो है ना शर्माते हैं, जब वो किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने शौक छुपा देते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो फैमिली की सपोर्ट रही है और फैमिली वाले सुनना पसंद करते हैं आपसे कुछ फरमाइश करती होंगी? डेफिनेटली बिल्कुल। देखिए जी, मेरी जो वालदा है ना, फोतो की अल्लाह को नसीब करे, वो मुझसे सुनती थी, और फिर वाइफ भी कभी कभार सुन लेती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितने घर वाले मुझे ऑफर करते हैं ना, डिमांड करते हैं, इससे ज़्यादा जो है ना वो मुझे दूसरे लोग करते हैं। ज़बरदस्त। मेरे जो दोस्त हैं, मैं कोई भी डॉक्टर्स का फंक्शन होता है, ये नहीं हो सकता कि वो मुझे आखिर में मुझसे ये कहें ना कि आप एक गाना गाएंगे और मैं स्टेज पर गाना ना गाऊँ, मतलब कोई भी फंक्शन, हमारे फंक्शन यूजली होते हैं एक दो माह बाद, तीन माह बाद, लेकिन आपने अपने शौक को जिंदा रखा हुआ है और आप माशाल्लाह से इतना अच्छा गाते हैं और इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, चलें प्रोफेशनल ऐसे लेकिन फ्रेंड्स में जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और ऐसे टैलेंट को प्रमोट भी करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात। फरजाना, आप ही हमारे साथ हैं, ये बताएं कि ईद का मौका है, बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल आप जो है घर में बना रही हैं और कैसे गुजार रही हैं ईद का? बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बच्चों ने खुद अपना मेन्यू बना के रखा हुआ है, और बच्चे मेरे खुद बड़े सपोर्टिव हैं, क्योंकि मैं इस हक में हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बेटी ही काम करे, बेटे ना करें, हमारे यहाँ जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मिल के काम करें, अगर बहन के कोई गेस्ट आए तो भाई का काम है कि वो उनको इंटरटेन करे, और अगर भाई के गेस्ट आए तो बहन इंटरटेन करती है, तो मेरे दो बेटे एक बेटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही इसको बड़ा अच्छी तरह मेरे साथ मैनेज करते हैं, मेरे साथ चूँकि और बच्चे भी मेरे, चूँकि हॉस्पिटल है अपना, तो मेरे पास और बच्चे भी रहते हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, तो दो तीन और स्टूडेंट भी हैं जो मेरे यहाँ ही रहते हैं, तो वो भी मेरे बच्चों की तरह ही होते हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी उनको देते हैं, पहले उनकी शॉपिंग करते हैं, इस तरह मेरे बच्चों ने कपड़े नहीं लिए लेकिन उनके लिए हमने ख़रीदे हैं, इसलिए मिल के तो एक मेन्यू बना लेते हैं, जी सुबह ये बनाना है, शाम में ये बनाना है, तो वो फिर मिलके मैनेज कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा साथ ये बहुत आपने अच्छी बात की है ना कि अपने लिए कपड़े नहीं लिए लेकिन उनके लिए, ये बड़ा एक अच्छा जज्बा, और मेरे ख्याल में इस दफ़े की जो ईद है उसका ये एक मैसेज भी है। मैंने फिर भी कोरोना वायरस की ये इसकी वजह जो सिचुएशन बनी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने लिए तीन तीन ड्रेसेस ले रहे होते हैं, बच्चों के लिए मैचिंग जो है ना वो तीन तीन जूते ले रहे होते हैं, तो उनको भी मेरे ख्याल में ये एक मैसेज हम दे रहे हैं कि इस वक्त आप देख लें कि कोरोना की सिचुएशन के पेशे नज़र बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर में खाने पीने की अशिया भी नहीं है, तो बजाय इसके कि हम तीन तीन ड्रेसेस ले रहे हैं, हम अपने लिए एक ड्रेस ले लें, ठीक है, तो दो जो हम ड्रेसेस ले लें हम किसी गरीब के घर में खाना पहुंचा दें, ये मेरे हल में एक अच्छा मैसेज है। बेसिकली हम बासित को मैच्योर नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपने देखा ना हमारे शहरों में रश पड़ गया, हाँ। दीना मार्केट के हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कितना रश ना करो,
बासियत को हम लोग मैच्योर नहीं हैं। अगर मैच्योरिटी हो ना, आलमी वबा है, पूरी दुनिया मुतासर है, अगर इस सिचुएशन में आप एक मैच्योर पर्सन के तौर पे हर एक को, जैसे मेरा छोटा बेटा कहता है कि हम बासियत शहरी, इस वक्त जो आलमी वबा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे मैनेज करें, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ प्रेसिडेंट है या चाहे हमारे मुजफ्फराबाद का कोई बच्चा है, हम सारों पर जिम्मेदारी बराबर की है। ऐसे ही है। अब बराबर की जिम्मेदारी का मतलब क्या है, लोगों को इसका नहीं पता। अब कहा जाता है जी बच्चे ना लाओ बाजार में, लेकिन आपने देखा लोग ला रहे हैं, ना समझी है ना। इसी तरह कहा जाता है जी बूढ़े लोगों का, हमें पता है कि जो जिनके कुव्वते मुदाफ़त कम होगा, ये वायरस उन पर ज़्यादा अटैक करेगा। बार बार मैसेज दिया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन बासियत कौम जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, बाशऊर नहीं होंगे, उस वक्त तक इन चीज़ों के साथ फाइट करना मुश्किल होगा। आप देखें मुजफ्फराबाद में केसेस बढ़े हैं ना, अब ये केसेस हम क्यों बढ़े हैं कि हमारे लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हम घर में बिल्कुल एक डॉक्टर साहब हैं, मेरा घर है, हम बिल्कुल पुरसकून लाइफ गुजार रहे हैं, रिश्तेदारों को वीडियो कॉल पे मिल लेते हैं, सबको मैंने बताया है कि जिस चीज़ ने मुझसे मिलना है वीडियो कॉल पे मुलाकात कर लो, हफ्ते में दो दफ़ा मेरे जो कोटली रिश्तेदार हैं उनको वीडियो कॉल पे हम मिलते हैं, जो मेरे यहाँ बहन भाई हैं सबको बताया हुआ है, बिल्कुल हालांकि घर पास है, मैंने कहा वीडियो कॉल पर मुलाकात करेंगे, आने जाने की ज़रूरत नहीं है, खैर खैरियत से रहें, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये एक जिम्मेदाराना रवैया है। बिल्कुल। तो अभी खाने भी हमने ईद पे जो खाना बनाया है, हमने बहन भाइयों के घर भेजा है, उन्होंने हमारे लिए भेजा है, हमने शेयर कर लिया। सही। तो ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, और एसओपीज़ को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, तभी हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, बाकियों को भी महफूज रख सकते हैं। तो अभी जो है हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे ईद के दिन के हवाले से, डॉक्टर साहब आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो। आवाम के लिए मैसेज है कि आप इस ईद पे गले ना मिलें, आप हैंड शेक ना करें, इस इन दोनों चीज़ों के बगैर भी ईद हो सकती है। जी बिल्कुल। जिसने कपड़े ले लिए हैं वो पहन लें, जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वो ऐसे ही गुजार सकते हैं हमारी तरह, लेकिन हैंड शेक नहीं करना, गले नहीं मिलना, और आपने दूसरों के घरों में इस दफ़ा नहीं जाना, क्योंकि आप जब जाएँगे तो आपकी जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, आप मेनटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली हम देहाती लोग हैं, ज़्यादा आबादी हमारी देहात में है। सो आप किसी के घर ना जाएं, और कोशिश करें कि आप जब ये ईद का दिन अगर आप कहीं जाते भी हैं तो चला जाता है, तो आप फ्रीक्वेंटली अपने बार बार हाथों को धोएं, सैनिटाइज़र किसी के पास है तो उसको यूज़ करें, मास्क नहीं उतारना आपने, सर्जिकल मास्क, सिंपल मास्क, बेसिक SOPs जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो फॉलो करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि नायला जब ईद का दिन होता है तो भले हम लोग अब उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर रहे, अपने घरों में महदूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर इस हालात में जो है तो आके हमें टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्योंकि मेहमानों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयबा ने जो है डिशेज़ तैयार कर ली, थोड़ा सा हम देखेंगे कि तैयबा क्या कहती हैं, कैसी बनी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, उम्मीद है कि मज़े की होंगी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं जी।